की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस पर आरोप लगा है कि कंपनी कथित तौर पर बच्चों और उनके माता पिता के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमकी भी दे रही है। इस पर बोलते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके तहत संस्था कार्यवाही भी शुरू करने जा रही है। आरोप है कि कंपनी अपने कोर्स को बेचने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रही है और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की धमकी भी दे रही है। इस सिलसिले में बायजूस के सीईओ को पहले भी तलब किया जा चुका है। आपको बता दें कि बायजूस पर यह आरोप लगे हैं कि कंपनी ने कथित तौर बच्चों और उनके माता पिता के फोन नंबर को खरीद रही है। यही नहीं, कंपनी पर यह भी आरोप लगे हैं कि वे उन्हें धमकी भी दे रही है कि अगर कंपनी का कोर्स नहीं खरीदा जाएगा तो वे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। मामले में आयोग का कहना है कि कंपनी की सेल्स टीम बच्चों के माता पिता को कोर्स खरीदने के लिए लुभावने आभार दिए जा रहे हैं। यही नहीं, आयोग का यह भी दावा है कि वह बच्चों के माता पिता के साथ धोखा कर उनके पैसों को लूट रही है। आयोग के पास आई एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि बायजूस की सेल्स टीम माता पिता को अपने बच्चों के लिए कोर्स खरीदने के लिए लुभाती है और धोखा देती है और उनका शोषण करती है। इससे पहले साल 2021 में शिकायत मिली थी कि कम आय वाले बच्चों के माता पिता के पास बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और ईएमआई बोलकर फाइनेंस कंपनी से पेरेंट्स की क्षमता से अधिक के लोन दिलाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बायजूस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंज्यूमर कोर्ट वेबसाइट्स पर कई तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें छात्रों का आरोप है कि उनका शोषण किया गया और उन्हें धोखे से बहलाकर कर्ज आधारित समझौते करवाए जा रहे हैं। कोर्स खरीदने के लिए उन्हें अपनी बचत और भविष्य को खतरे में डालना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर बाल अधिकार निकाय ने रविंद्रन को छात्रों के लिए बायजूस के कोर्स की हार्ड सेलिंग को 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कंपनी के सीईओ बायजू रविंद्रन को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि हमें जहां जैसी गलती मिलेगी हम वैसी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले की सारी जानकारी हमने आपको बताई है। जांच जारी है और देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।